तो भैया गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। इस वक्त मौजूद हैं जनपद कुशीनगर, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। मुझे लगता है भारत का पहला एक ऐसा एयरपोर्ट है जिसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम तो है लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाली कोई बात नहीं है। जी हाँ, अभी यहाँ पे डोमेस्टिक फ़्लाइट चल रही थी, जो डोमेस्टिक फ़्लाइट भी बंद हो गई दिल्ली टू कुशीनगर, अब वो भी फ़्लाइट बंद हो गई। थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 2021 20 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। उन दिनों 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर खूब चर्चा था और यह मान लिया गया था कि 2021 में जब मोदी जी ने शुभारम्भ किया था तो तुरंत फटाफट फ्लाइटें चालू हो जाएंगी, इंटरनेशनल फ़्लाइटें चालू हो जाएंगी, यहाँ रोज़गार बढ़ जाएगा, बाज़ार बढ़ जाएगा, होटल आ जाएंगे, इस तमाम बातें थीं। लेकिन ये बातें सिर्फ बातें बन के रह गई और तमाम नेताओं की हम बात करें, चाहे वो भाजपा का नेता हो, सपा का हो, कांग्रेस का हो, बसपा का हो, हर नेता इस एयरपोर्ट के लिए क्रेडिट लेता है कि मैंने शुरुआत कराया, मैंने सहयोग किया। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आता है कि जो इंटरनेशनल फ़्लाइटें नहीं चल रही हैं, जो डोमेस्टिक फ़्लाइटें नहीं चल पा रही हैं, उसका क्रेडिट आखिर कौन लेगा? क्या नेताजी लोग खाली इसी बात का क्रेडिट लेंगे कि सरकार के सैकड़ों हजारों करोड़ रुपये लग के ये शानदार इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो बन गया, लेकिन क्या ये सिर्फ स्टैचू बन के रह जाएगा? एक बड़ा सवाल है। 22 का चुनाव बीत गया और 22 का इंतजार करते करते अब सामने 24 का चुनाव आ गया। जनता सोच रही थी उन दिनों, तमाम युवा हमारे उम्र के जो प्रदेश में थे, दूसरे जगह थे, उनके जहन में ये था कि अब जो है हमको रोज़गार हमको हमारे ज़िले में मिल जाएगा। लेकिन सही बात यह है वो इंतज़ार इंतज़ार और इंतज़ार ही रह गया। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, सारण जिले की बात आती है, छपरा, गोपालगंज, सिवानी, ये तीन ज़िला ऐसा है कि गल्फ़ कंट्री के रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा इन तीन ज़िलों में होते हैं। मुझे लगता है अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट आज कुशीनगर से उड़ान होती तो हज़ारों लोगों की पर डेली की आवागमन होती, आवागमन होती तो बाज़ार बढ़ता, बाज़ार बढ़ता तो रोज़गार बढ़ता, रोज़गार बढ़ता तो होटल खुलते और तमाम लोगों को, तमाम युवाओं को रोज़गार मिलता। लेकिन मुझे लगता है ये सपना क्या सपना बन के ही रह जाएगा। दूसरा सबसे बड़े सवाल, क्या इस क्षेत्र के नेता क्या सिर्फ इसी बात का क्रेडिट लेंगे, चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो, क्या खाली वो इसी बात का क्रेडिट लेंगे कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत में हमने सहयोग किया, किसी ने फीता काट दिया, किसी ने अपना, बसपा ने अलग नाम लिया, सपा ने अलग नाम लिया, कांग्रेस ने भी अलग नाम लिया और भाजपा तो पूरा सर्वे सर्वा जो है उसका क्रेडिट ले रही है। लेकिन सवाल यह है इसका क्रेडिट कौन लेगा जो इंटरनेशनल फ़्लाइटें नहीं चल रही है? सवाल यह है कि इसका क्रेडिट कौन लेगा कि जो डोमेस्टिक फ़्लाइटें चल रही थी अभी तक पिछले एक हफ्ते से वो बंद है? तो क्या फिर से कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट धीरे धीरे वीरान हो जाएगा? एक बड़ा सवाल है। सर पे 24 का चुनाव है, तमाम नेता लोग बड़ी बड़ी बातें तो कहते हैं लेकिन क्या आखिर सिर्फ फीता काटने तक, लोकार्पण तक, शिलान्यास करने तक ही नेताओं की क्या जिम्मेदारी होती है या उसके बाद का क्या रोल होता है? आखिर नेता क्यों नहीं तय करते हैं? तमाम युवा हैं जो पूर्वांचल के, वो चाहते हैं कि कुशीनगर से उनका आवागमन बेहतर हो सकता है अगर कुशीनगर इंटरनेशनल फ़्लाइट चालू हो जाए तो। तो सच्चाई ये है कि हम आज कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुँचे, हमारे पीछे देखेंगे ये एयरपोर्ट का नज़ारा, आप इस साइड में देखेंगे तो पार्किंग गाड़ियाँ और सिर्फ जो है इस समय हालत ये है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कोई फ़्लाइट नहीं आ रही है, सिर्फ इसको जो केयर टेकर हैं, काम करने वाले लोग हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सिर्फ उनका आना जाना लगा रहा है और कहीं ना कहीं फिर से एक बार कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वीराने की हालत में हो रहा है। अगर इस क्षेत्र के नेता ध्यान नहीं दिए तो फिर से शायद कहना गलत नहीं होगा, क्या फिर कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने पुराने हालत में आ जाएगा? एक बड़ा सवाल है, ये सवाल मैं इस क्षेत्र के नेताओं के ऊपर सुनता हूँ और उन सभी नेताओं के ऊपर छोड़ता हूँ जो क्रेडिट लेते हैं कुशीनगर एयरपोर्ट पे, तो इसका क्रेडिट कब लेंगे कि कुशीनगर से फ़्लाइटें कब चालू होगी? बाकी इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। गाँव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार।